बुआ जी को बोले फूल बगीचे लगाई बोल ये बे यो यहाँ पर दादी भी आ गई है मिट्टी लाके दगुड़ बहुत रोंचो दगुड़ बटी उनसा आप कोई बोले बहुत भी आप कोई डोर नहीं लाम वो देखो मैं जा रहा हूँ कंबल लेके कंबल बहुत ही अच्छा लोग थे दगुड़ी हूँ अरे यूं था कठिन जीवन जी यहाँ पर जंगलों में लीजिए दोस्तों जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो कॉमेडी बुआ यहाँ पर पहुँच गई है बुआ जी कुछ बोला मैं बुनने में लगाऊंगा टाले टाले और सलाद पहनूंगा लंबी उम्र वहां तुम्हारी ठीक है हमारे भी हम अभी जवान जवान है तो जय हो माँ मठियाणा की। हेलो दोस्तों नमस्कार सुप्रभात बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़न ऋतु राणा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मैं हूँ ऋतु राणा जो कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद दप्रिया की रहने वाली हूँ और पुनः दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस खूबसूरत से पहाड़ में। तो दोस्तों आज सुबह की गुड मॉर्निंग में जा रही हूँ तिलवाड़ा मार्केट की और आज स्पेशली जो हमारे घर के मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं आज घर तो उन्हें लेने जा रही हूँ मैं तिलवाड़ा। मैं लेने बोले तो ऐसे घूमने जा रही हूँ। तो दोस्तों आइए आज तिलवाड़ा क्या मतलब जो भी सीनों को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली पूरे गांव से होकर पहुँच चुकी हूँ मैं सड़क में लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो सबसे पहले इस सुनसान सड़क पर मैं ही पहुंची हूं। ऊपर से हमारे एक ताऊजी आ रहे हैं और आज एक यहां पर एक ही गाड़ी है तो मेरे ख्याल से यही वाली गाड़ी जाएगी। तो चलते हैं क्योंकि अब उल्टी बहुत ज़्यादा होती है एक मतलब हर किसी को होती है उल्टी। तो दोस्तों क्या करें तब बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अनलिमिटेड होती है मैं क्या बताऊँ। तिलवाड़ा जाके देखते हैं कैसा होता है हाल चाल। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम तिलवाड़ा और आज घर से आते वक्त इतनी उल्टी हुई अभी यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है पीछे अभी दो चार लोग ही हैं पर घर से आते वक्त बहुत ही ज़्यादा उल्टी हुई और यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने बड़े भाई का। तो आधा घंटे में फ़िलहाल पहुँचने वाले हैं तब तक वेट करते हैं उनका और दिखाते हैं अभी सुबह का यहाँ का ताज़ा सा नज़ारा। देखिए दोस्तों कितना प्यारा कबूतर है ये देखो। और ये है तिलवाड़ा की मंदाकिनी नदी जो आती है केदारनाथ से। तो इस टाइम यहाँ पर बिल्कुल हरा पानी आ रहा है और सुबह के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी था इस टाइम थोड़ा कम है। लगभग अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2 बजे हैं और 2 बजे भी अभी हम तिलवाड़ा से घर के और रास्ते नहीं लगे हैं और हमारे भाई जी वहाँ पर हैं और वो आ गए थे कम से कम 9 बजे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म भी हो रहा है साथ ही साथ यहाँ तो ठंडा पानी मिलेगा नहीं जितना अच्छा हमारा पहाड़ है उससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता। तो दोस्तों फाइनली मेरी रोटी बनना शुरू हो गई है और मैं आपको बता दूं जो ये लकड़ी है जो इनकी राख बनती है वो अगर हम उस राख में रोटी पकाते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही स्वास्थ्यमंद होता है। ये देखो भाई शुद्ध मंडुए की रोटी यानी कि रागी की रोटी। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये मंडुए की रोटी है इस मतलब इसे हम खुद खेतों में उगाते भी हैं और खुद ही हम इसका उपयोग करते हैं लेकिन धीरे धीरे ये अभी विलुप्त होने के कगार पर है। अब खेतों में नहीं कम पाया जाता है मंडुआ क्योंकि जो हमारे जंगलों में ये जीवन वगैरह रहते हैं पशु पक्षी रहते हैं ये कुछ नहीं रख पाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इस जो ये रागी या फिर मंडुए की रोटी है इसका मुकाबला कोई भी आइटम ला दो तुम बाहर से यानी कि कोई भी चीज़ ला दो तुम पिज्जा से लेकर मतलब मैंने जो नहीं देखा वो भी लिया हो लेकिन सब इस मंडुए की रोटी के आगे फीके हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी ऐसे देख रही कि आज तो बाहर पे रोटी बना रही है बोले आज सगोर कहाँ से लाई मेरी बेटिया क्यों मम्मी सगोर मस्त होती है दोस्तों मंडुए की रोटी एकदम स्वाद भरी।
वहाँ जा रखी थी महिला मंगल दल की मीटिंग में, और वहाँ से मिला महिला दल मंगल दल की मीटिंग में आए हुए ना अयोध्या का प्रसाद। जय श्री राम, जय श्री राम। कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। और ये है प्रसाद, चावल भी रख सिर में रखना था। हम पहाड़ी लोग देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई, और वो भी अयोध्या से आया है प्रसाद, जहाँ मैं कभी गई नहीं, सपने में भी नहीं गई। और तो और लीजिए दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो कॉमेडी बॉय यहाँ पर पहुँच गई है। देखो मैं जा रहा हूँ कंबल लेके, कंबल अभी मैं आ रखी थी छांस के लिए भाभी के घर में, तो रास्ते पे बुआ जी मिल गई, और बुआ जी बहुत ही परेशान हो रही। आज क्यों बुआ परेशानी से? वही मैं सोच रही हूँ तो ना बुनी साड़ी में क्या पहन, साड़ी में पहनने सो साड़ी तुम कमेंट वो देला सूरत की साड़ी, सूरत की साड़ी देला तब मैं साड़ी पहलू, साड़ी में तुम तो फोटो भी आ दियो बहुत पता बुआ साड़ी देला मैं तो मेरे पहले पहले जय मार गुना उठा लूं लाइक प्लाजो प्लाजो में टाला ले प्लाजो में टाला बड़ी बुखार है कि रे राम बड़ी को बुखार आ गए। तो बुआ जी सब ज्यादा बड़े बड़े कमेंट कर, आज तो वाली बुआ कहाँ गई, बस होली भी नहीं खेली वाली वाली बुआ के साथ है, तो फाइनली आज मिल गई बुआ। कुछ करो कॉमेडी, कॉमेडी क्या करना, मैं जो बोली कि मैं साड़ी देला तुम्हें साड़ी पहनू, एक से एक दो डायलॉग बोलो बुआ जी। नहीं तो मैं गुन्ने में लगाऊंगा टाले टाले वाले सुनार पहनूंगा, टाले टाले वाला जो पहले का जमाना चलते हैं टाले वाले सुनार, ठीक है? आपको ठीक लगेगा तो कमेंट करना, नहीं लगेगा तो वो सेकंड हेल्प करना। ये है हमारी बहू, बहू बहू शर्माते शर्माते जा रही है फोनू ठीक है। और के फोन तब आजकल बिजी समय बहुत ज्यादा, आजकल बुआ जी बिजी है और बहुत जल्दी मिलेंगे कॉमेडी के साथ। क्यों बुआ? अभी मैं जा रही हूँ छांस के लिए उधर वाले भाभी के घर में। कहाँ जा रही है लेके? उधर जा रही हूँ मैं बुआ। अच्छा जी, कहानी ऐसे लेके जाओ ना, ऐसे बाय कर दो बुआ, बाय, फिर मिलेंगे जल्दी है, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, 7 दिन में, चार चार से पहले नहीं, 4 से पहले कहाँ मिलेंगे, तभी मिलेंगे ना, हाँ 4 दिन कहाँ से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे जल्दी, बाय। तो दोस्तों आज मैं आ रखी हूँ अपने बहुत ही अच्छे खासे रिश्तेदारों के घर में, और ये घर है दीदी जी का, और जो भाभी जी हमारे साथ रहते हैं उनका घर है, तो यहाँ पर हम आ रखे हैं। ये है भाभी जी की सासू माँ, और ये दीदी जी की सासू माँ, आप इनको तो जानते होंगे। तो बोला बुआ जी कुछ बोला बहुत ही खुश के बोल मोन था दानागा अब के कन हां कर दन थावा ने गाड गई हंगा और को रगड़ गई हंगा मारी बुआ गई बोणो को चप चप पता छी हमार बुआ जी कुतई और बुआ जी लंबी उम्र वान तुम्हारे ठीक छे हमार बियो में भी जवान जवान रहे तो पयन बोलन के दगड़ो मैं यूं मैं छी योक बजी अभी तो 4 बजे छे ने वो अपन छी लगे लगे तई ना बुबू अगे लांदा में त के कबर में दोला कबर यो बेटन कबर डाले ये गांव बेटन मैं बुआ जी का जो बेटा जी छे ने हमारे बड़ा भेजी पड़ता है भेजी रोज हमारे वीडियो पर कमेंट कर देने, और ये वाला मतलब जो बुआ जी छे ने वो बेटा भी रोज हमारे वीडियो देख देने, आज भेज को तो मां ही आ जाए चले आज बेटा भी पैसा दे बोण बोण गयांगा ये क्या कतर बेटी जिन दा सारी अब उनके फिर पर रहेगा बहुत ही कठिन जीवन जी ने, बहुत ही कठिन जीवन अब तो बहु पिछने ठाट होगी ना बोरे में पिछने ठाट होगी अब ना बहुत ही अच्छा लोग हमारे पहाड़ में, और बहुत ही खुश मिजाज लोग ये लोग, आप तो सिर्फ हमारे वीडियो में दिखना तो मिला, और तुम तो ना बहुत बड़ा कमेंट ना करें कि बहुत अच्छा लोग हमारे पहाड़ का, ठीक छे राजी खुश रहे हमेशा, ठीक छे उन दे रहा तुम्हारे आरोप फोन ने तुम भी हम तो आशीर्वाद ही दे ठीक छे करनी दियो आशीर्वाद और क्या मैं जा पर बात ये दे आशीर्वाद ये दे 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 और क्या बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा चीनी लोगे भाई अच्छा बे दू जान थावा दुमर जान तो आ दुमर जिन से बुढ़ी कोरोना तो सार गांग दुमर रन जे
आदमी गान साथ दे आ तब ऊपर से हम जाते हम जा पर बिल रे जब बैठे भाई आप भाई बहुत ही मुश्किल जीवन जीऊ लोगों ने बहुत ही मुश्किल जीवन कभी ध्यान से जब फुर्सत से बैठला जरूर बतौला ना आप जीवन जो व्याख्या छे मैं तो जरूर बतौला क्यों और क्या ना बुआ जी जरूर बोला ठीक छे जरूर तो बाय कर दिया तुम सब होते हैं बाय बाय आराम से रहे बने अरे तो वीडियो खूब दगड़ो कभी हमार जो बुजुर्ग बुआ जी छे ने ओ जीवन व्याख्या एक बार जरूर बतौला ब्लॉग में एक बार घर जाना का ठीक छे बहुत ही अच्छा लोग दगड़ियों अरे यूं था कठिन जीवन जी आप जंगलों में जब पहले खानो ढंग से नहीं मिलू छो ना यूं बुआ जी को बोले फूल बगीचे लगाई बोले ये बे यो देख वाह क्या फूल छन पूपी ये सब हमारे बूढ़े पुप जी को काम ना बोले पुप जी कुछ बोले आप गंगा बारे में बोल के ना मतलब बाल खान छ बा हां मेरे जंगल खान छ बा दगुड़ बहुत रोन छ दगुड़ बटुन था आप कोई बोले बोद भी कुछ आप डोन ने लाम आप से मतलब खा हां आप से मतलब बस हीटर आसन राजी खुशी रहे हैं ठीक छ कब कनन फूल बोला यहाँ पर दादी भी आ गई है मिट्टी लाके हाँ। दादी मिट्टी की ले गई थी हाँ, हाँ दादी हाँ। लाई है दूसरी प्रकार की मिट्टी हाँ। इससे हम जो चौक आंगन होता है वो लिप देंगे ना दादी हाँ। बहुत अच्छी बात है यार बुजुर्ग होके दादी इतना काम कर रही है ये देखो ये है दादी का झोला चल मेरा हिट मेरा थोला रे थोला जकी झोला तक खोला थोला रे